ब्रेड क्रम्स बेसिकली आपके इंटरनल लिंकिंग को ही बेहतर बनाते हैं और ये एक टेक्निकल टर्म है जिसमें आपको ये ये मेन्यू का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप पेज बाई पेज जैसे जैसे आप डीप लेवल में चले जाते हैं वो आपको एक पाथ बताता है कि आप कहाँ से चले थे या आप इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा लेकिन अगर हम पहले ये स्क्रीन शॉट देखें तो ये मैंने मोबाइल फ़ोन्स इन पाकिस्तान के नाम से एक सर्च की और मुझे कुछ रिजल्ट उसके अगेंस्ट नज़र आए आप कुछ भी सर्च करें तो आपको भी इस तरह के रिज़ल्ट नज़र आते हैं इसमें अंडरस्टैंड ये करना है कि ये जो पहले चार लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं ये चार लिंक्स में क्या सिमिलैरिटी है अगर आप इसको गौर से देखें तो ये चार लिंक्स प्रॉपरली जिस तरह से वो हमने वेबसाइट स्ट्रक्चर की बात की थी वो पेज बाय पेज अपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसमें उनका मेन पेज है फिर स्लैश के बाद एक उनका सब पेज है और फिर स्लैश के बाद एक और पेज है तो गूगल वो आपके यूआरएल को अपने सर्च रिज़ल्ट में भी दिखाता है और वो कुछ इस तरह से नजर आता है लेकिन अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि इंटरेस्टिंगली नीचे वाले जो तीन रिजल्ट हैं वो पहले चार रिजल्ट से डिफरेंट हैं आप देखेंगे कि पहले चार रिजल्ट में यू स्लैश के बाद प्रॉपर यू का जिस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होता है उस तरह से दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे वाले तीन रिजल्ट में जितने भी यू हैं उनमें स्लैश नहीं नज़र आ रहा आपको उनमें बेसिकली एक पेज का यू है जो होम पेज का यू है फिर इनर पेज यानी कि जो एक सब uh, पेज था उसका नाम आ रहा है ना कि उसका वो यूर आ रहा है और फिर इसी तरह से एक एक यूर आप देख रहे होंगे सेकेंड लास्ट पे जिसका आगे थर्ड लेवल पर भी नाम आ रहा है उसका स्लैश नहीं आ रहा ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं बेसिकली ये दोनों डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि नीचे वाले तीन लिंक्स जो हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर या उनके पेजेस के ऊपर ब्रेड क्रम नेविगेशन इंस्टॉल्ड है यानी कि गूगल को ये पता है कि ये पेज का पेरेंट पेज कौन है और उसका पेरेंट पेज कौन है यानी कि वो पूरा पाथ अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये पेज कहाँ से चला और कहाँ तक जा रहा है तो ये हम गूगल को बता सकते हैं खुद से अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करने के लिए लेकिन अगर ये काम बाकी वेबसाइट्स भी कर लें तो वो भी बेहतर हो सकती हैं आपको मैं ये दिखा दिखाता हूँ कि जैसे कि एक रिजल्ट दराज का आ रहा था अगर मैं उसी पेज के ऊपर क्लिक करके उसकी वेबसाइट के ऊपर जाऊँ तो आप देखेंगे कि मेन्यू में आपको पूरा पाथ नज़र आ रहा है कि पहले आप होम पेज के नीचे मोबाइल्स का पेज है उसके नीचे एक और पेज है तो अल्टीमेटली आपको वो पूरा पाथ नज़र आ रहा है कि आप इस वक्त मोबाइल पेज मोबाइल्स के पेज के ऊपर हैं उसके ऊपर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स का पेज है एंड देन उसके ऊपर होम पेज है इस पाथ की वजह से यूज़र को ये आसानी होती है कि यूज़र ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि हाँ भाई मैं कहाँ पर हूँ और मैं कहाँ से ये पेज चला था और इसके पेज का पेरेंट पेज कौन था उसका पूरा पाथ क्या है ये चीज़ गूगल को भी हेल्प करता है वो स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने में और आप जब ये स्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हैं जब ये नेविगेशन लगाते हैं तो गूगल इसकी इसको अंडरस्टैंड करते हुए अपने सर्च रिज़ल्ट में आपको वहाँ भी हरारिकी दिखाता है कि होम पेज के नीचे मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट का पेज है उसके नीचे मोबाइल्स का पेज है ये इंपॉर्टेंट दो रीजन की वजह से है एक तो ये कि जब आप जूअरल देखें तो यूअरल जब जो लंबे जूअर एल हैं वो कट रहे हैं उसमें प्रॉपर वर्ड्स नहीं है उसमें डॉट डॉट लगा के गूगल उनको ट्रंकेट कर देता है मतलब कि वो एक्स्ट्रा लेटर्स को छोटा करने के लिए उनको काट देता है तो पढ़ने में आपको समझ नहीं आती कि वो जूरल क्या है लेकिन अगर आप नीचे वाले जूरल देखें तो वो कट नहीं रहे हैं और बाकायदा उनके नाम लिखे हुए हैं और वो गूगल में देखने में सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं कि हाँ भाई ये प्रॉपर वेबसाइट का स्ट्रक्चर है तो यूज़र को भी हेल्प मिलती है और आपकी अगेन एस को भी हेल्प मिलती है क्योंकि जब आप अच्छा एक्सपीरियंस देंगे तो आप ऊपर रैंक भी करेंगे दराज की तरह मैंने ओ की वेबसाइट भी देखी तो ओ एल वेबसाइट में भी आप देखेंगे कि ब्रेड क्रम लगे हुए हैं और ये ऑलमोस्ट आप हर वेबसाइट में देखेंगे कि ये लगे हुए होते हैं सवाल यह कि आप कैसे लगाएंगे तो बेसिकली आपको पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि ब्रेड क्रम्प आपको चाहिए और ये ब्रेड क्रम्स आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहे होंगे कि वो किस तरह से हरारिखी या लेवल्स के ऊपर डिवाइडेड है लेवल वन क्या है लेवल टू क्या है लेवल थ्री क्या है सो लेवल थ्री के पेज के ऊपर लेवल टू और लेवल वन का पाथ होगा वो आप अपने डेवलपर से कहेंगे या आप खुद भी सीख सकते हैं अगर आप थोड़ी बहुत एच के मेल अंडरस्टैंड करते हैं तो आप खुद भी लगा सकते हैं और यही काम अगर आप वर्ड प्रेस में करना चाहें तो वर्ड प्रस में आपको अक्सर प्लग इन मिल जाते हैं जो कि ये आपको हेल्प करते हैं ब्रेड क्रम्स लगाने के लिए लेकिन इन शॉर्ट ब्रेड क्रम्स आपको लगानी हैं ये बहुत छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है आपकी वेबसाइट के लिए इससे आपकी एस सी ओ बहुत बेहतर हो जाती है इंटरनल लिंकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अल्टीमेटली गूगल आपको इसका बेनिफिट देता है आपके पेजेस को प्रॉपरली गूगल सर्च रिज़ल्ट में शो करके